और चलिए आगे बढ़ते हुए आप बताएं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा, आतंकी हमलों से निपटने पर मंथन हुआ है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी बातचीत संभव है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल, और अब आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आतंकी हमलों से निपटने पर मंथन हो सकता है, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी बातचीत संभव है। तो तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, गृह मंत्री की अध्यक्षता में से अजीत डोवाल भी मौजूद होंगे, गृह सचिव भी मौजूद होंगे। तो आज का दिन आप कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण, कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर ये मीटिंग ली जा रही है, पहले से तय ये तारीख थी और ऐसे में अब एलजी भी शामिल हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सुरक्षा के हालात पिछले कुछ समय से कई सारे सवाल रहे हैं और ऐसे में आज, और देखिए ये मीटिंग तस्वीरें हम आपको वही दिखा रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जिस मीटिंग का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, देखिए वही तस्वीर आ रही है सामने, गृहमंत्री की मौजूदगी, अध्यक्षता और साथ ही साथ एलजी भी मौजूद हैं, आप देखिए तस्वीरें, और साथ ही साथ अजीत डोवाल भी मौजूद हैं, और कई अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा है, सुरक्षा है उसकी, और क्योंकि जिस तरह से रियासी आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद लगातार आतंकवादी हमले हुए, लोगों की जान गई, जवान शहीद हुए, और उसके बाद अब कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार आतंकवादियों को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन आतंकवादी घटना फिर भी हो रही है, और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ तो लगातार आतंकवादियों के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, लगातार उन्हें ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है, और राहुल जबास हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राहुल, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, मीटिंग चल रही है, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है। देखिए दूसरे दौर की बैठक है, क्योंकि इससे पहले बुधवार को बैठक हुई थी, बुधवार को जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जायजा लिया था, क्योंकि 9 जून को पहला आतंकी हमला रियासी में हुआ था और वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया गया, उसके बाद लगातार 3 बार हमले हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर के 4 हमले हो चुके हैं। अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो 29 जून से इसकी शुरुआत होगी, 19 अगस्त तक चलेगी, 4 से लेकर 5 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, और ये वही रूट होगा जहां पर आतंकवादियों ने, जो पीर पंजाल की पूरी रेंज है, जम्मू का पूरा इलाका है, यहाँ पर रियासी, उसके बाद कठुआ, सांभा, ये वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहाँ पे आतंकियों ने अभी तक कार्रवाई की। तो कैसे अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाया जाए, ये शॉर्ट टर्म प्लान है, और इसके लिए संभावना ये है कि तीसरे दौर की बैठक भी हो सकती है, पहले प्रधानमंत्री, दूसरी बात ब्लॉक जो भी बैठक चल रही है, और तीसरे दौर की बैठक की संभावना जो सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर जाए और वहां जाकर भी सिक्योरिटी का जायजा ले। और एक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो ये भी है कि इसी साल में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है जम्मू कश्मीर में, उन चुनाव से पहले भी कैसे स्थिति को सामान्य किया जाए उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। और यही वजह है कि एनएसए अजीत डोवाल से लेकर थलसेना प्रमुख तक, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जो डीजी है वो मौजूद है, इंटेलिजेंस के आईबी के जो रॉ के बड़े अधिकारी है वो मौजूद है, ताकि पूरा जो नेटवर्क है आतंकवादियों का उसे क्रैक डाउन किया जा सके, जो उनकी फंडिंग है उसे क्रैक डाउन किया जा सके, और जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, वहां पे सुरक्षा इस तरह सुनिश्चित हो कि सीमा पार से घुसपैठ बिल्कुल नामुमकिन की कर दी जाए। अच्छा राहुल, देखिए एक बात ये भी है, पिछले कुछ समय से आतंकवादी घटना रियासी से शुरुआत होती है और उसके बाद लगातार कई सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो पैटर्न था उसमें चेंजेस देखे गए, ऐसे में आज की ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए अमरनाथ यात्रा तो है ही है, लेकिन खास करके जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए और आतंकवादियों का जो खात्मा है लगातार करती रही है टीम वो किया जाए, उस पर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। निश्चित तौर से पैटर्न चेंज देखने को मिला है, और बीते 1 से लेकर 1.5 साल में जो दक्षिण कश्मीर था, दक्षिण कश्मीर के बाद अब जम्मू के इलाके में आतंकी गतिविधियां पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई है, जो पीर पंजाल की पूरी रेंज है उसके दक्षिण में अब आतंकी गतिविधियां ज्यादा हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आमतौर पर जो माना जाता है कि टेररिज्म अपना ग्राउंड चेंज करता है, आतंकवादी अपनी जमीन को बदलते हैं, तो जो बदला हुआ जमीन है वो जम्मू के इलाके में नजर आ रही है, और यही वजह है कि क्रैकडाउन करने के लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे काम किया जाएगा, टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए दूसरे नंबर पर उससे काम किया जाएगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, वहां से कोई घुसपैठ ना हो तीसरे नंबर पर उससे काम किया जाएगा, और चौथा काम ये भी किया जाएगा, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट, ना सिर्फ इंडियन बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित दिया जाए, जो श्रद्धालु है चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए हो या फिर वैष्णो देवी यात्रा के लिए, उन्हें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो कई पैटर्न पे एक लंबी बैठक होगी, मैराथन मीटिंग होगी, और मान के चलिए कम से कम 2 से लेकर 2.5 घंटे तक ये बैठक चल सकती है।
बिल्कुल लगातार नजर रहेगी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।